हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा की क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत से बेबी शूज़ लेकर आई हूँ। ये शूज़ 6 months to 1 year बेबी को ईजिली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन बेबी शूज़ के लिए मैंने ये 55 फंदे लिए हैं और फंदे डाल के मैंने एक सलाई रॉन्ग साइड से उल्टी बुनाई कर ली है। इसमें हमने सारी सलाइयाँ पर्ल वाइज उल्टी उल्टी बुनाई करनी है। धागा आगे करेंगे, ये हमारी राइट साइड है, ये हमने सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है। हमने राइट साइड से भी उल्टी सलाइयाँ बुनाई करनी है और रॉन्ग साइड से भी हमने उल्टी सलाई बुनाई करनी है, और ऐसे करके हमने ये 18 रोज़ कंप्लीट करनी है। अब ये हमारे शू की 18 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। ऐसे हमें ये 9 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपको शू का अगला पार्ट बनाना बताऊंगी। अब हम शू का ये वाला पार्ट बनाएंगे, इसका फ्रंट पार्ट। ये हमने कैसे बनाना, अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये हमारे टोटल 55 फंदे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 22 22। फंदे हम दोनों साइड रखेंगे और बीच में हमने 11 फंदे रखने हैं, 11 फंदे। तो हम पहले 32 फंदे बुनाई करेंगे, ये हमने उल्टे ही बुनाई करने हैं। ये हमारा पहला फंदा हो गया, ये हमने बिना बुने उतार लिया। धागा आगे करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। ये हमने 32 फंदे बुनाई कर लिए, 32 फंदे बुनाई कर लिए। ये हमारा 33वां फंदा है, 33 फंदे, और यहाँ पर हमारी ये इतने 22 फंदे हैं। ये हमारा 33 फंदा है। ये वाला एक फंदा हमने लेना, साथ में हमने यहाँ से एक फंदा लेके इन दो फंदों का हमने एक फंदा बना देना है, ये देखिए ऐसे। और अब हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना है, फिर धागा आगे करेंगे। अब हम ये 10 फंदे बुनाई करेंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमने बुनाई कर लिए। ये हमारा 11वां फंदा है, और यहाँ पर अब हमारी ये 11वां फंदा है, ये हमारे 22 फंदे हैं। तो ये 11वां फंदा और ये फंदा हमने दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे बीच में हमेशा 11 फंदे ही रहेंगे। फिर हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना है, धागा आगे करेंगे, 10 फंदे बुनाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ये हमारा 11वां फंदा है। ये फंदा लेना और यहाँ से हमने एक फंदा लेना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना देना है। ये देखिए, फिर हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना है। फिर हमने ये 10 फंदे बुनाई करने हैं। ये देखिए, ये हमने 10 फंदे बुनाई कर लिए। ये हमारा 11वां फंदा है। ये 11वां फंदा और यहाँ से हमने एक फंदा लेके दो फंदों का एक फंदा बना देना है। फिर वहीं से हमने इसको टर्न कर लेना है। फिर हमने ये सलाई उल्टी बुनाई करनी है। हमने तब तक ये फंदे घटाने हैं जब तक हमारे ये दोनों साइड 13 और यहाँ पर भी हमारे 13 फंदे रह जाएंगे और बीच में हमारे ये 11 फंदे ही रहेंगे। अब मैं आपको इतना कंप्लीट करके बताती हूँ। अब इस साइड भी हमारे 13 फंदे हैं और इस साइड भी हमारे 13 फंदे हैं और बीच में हमारे ये 11 फंदे हैं, 11 फंदे हैं। अब हमने ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई कर देनी है। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना। ये हमारी राइट साइड है। अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए। ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बुनाई कर देनी है। ये देखिए, ये हमारे शू का मिडिल पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने ये एक सिलाई सीधी साइड से हमने उल्टी बुनाई करनी है और एक सिलाई उल्टी साइड से हमने उल्टी बुनाई करके फिर हम जाली डालेंगे। अब ये रॉन्ग साइड आ गए। ये सिलाई भी हमने उल्टी बुनाई करनी है। अब हम ये राइट साइड आ गए। अब हमने डोरी के लिए जाली डालनी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर हमारे दो फंदे हो गए। हमने धागे को सिलाई पे ऐसे घुमाना है, दो फंदों का एक फंदा बनाना है। फिर से हमने धागे को सिलाई पे ऐसे घुमाना है, ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिए, हमारे यहाँ पर जाली बनती जा रही है। फिर से धागे को सिलाई पे ऐसे घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे हमने ये सारी जाली बना लेंगे।
ये आखिर का एक फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारी जाली बन गई। अब हम शू पर ये डिज़ाइन डालेंगे। तो अब ये हमने कैसे बनाने हैं मैं आपको ये बनाकर बताती हूँ। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। ये रॉन्ग साइड से अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे। और ये सारी सिलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे। ये धागे को आप अंदर की तरफ करते जाएं। अब हम राइट साइड आ गए। हमने पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे। ऐसे ही हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे डिज़ाइन की सेकेंड रो है। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। जो फंदे हमने ये उल्टे बुनाई किए थे, अब वो फंदे फिर से हमने उल्टे बुनाई करने हैं। और जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे, ये फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्किप कर लिया। धागा पीछे करेंगे। ये फंदा हमने उल्टा बुनाई किया था, तो ये फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये फंदा हमारा बिना बुने उतारा था, तो ये फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ऐसे हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। ये हमने सारी सीधी बुनाई कर देनी है। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। जैसे हमने ये पहली डिज़ाइन की चार सिलाइयाँ बनाई हैं, अब हमने इसी को पिंक कलर से बनाना है। आपको मैं बनाकर दिखा देती हूँ। हमने ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई करनी है। ये हमने पिंक कलर से बुनाई करने जा रहे हैं। एक बार हमने चार सिलाइयाँ क्रीम कलर से बनानी है और चार सिलाइयों का डिज़ाइन हमने पिंक कलर से बनाना है। अब हम राइट साइड आ गए। पहला फंदा हम एज इट इज़ उतार लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ऐसे हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है।
ये देखिए, अब हमने जो फंदे उल्टे बुनाई किए थे वो फंदे अब फिर से उल्टे बुनाई करेंगे, जो फंदे बिना बुने उतारे थे वो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। और ये हमारी रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा आप एज इट इज़ उतार लें, धागा आगे करें, ये फंदा हमने उल्टा बुनाई किया था तो ये फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, ये बिना बुने वाला फंदा है ये हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा, ऐसे हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। अब हम राइट साइड आ गए, ये सारी सिलाई हम सीधी बुनाई करेंगे। ऐसे करके हमने ये डिज़ाइन के 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने शू का अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है और ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ऐसे डिज़ाइन वाला पार्ट बना लिया है। अब हम ये मैंने क्रीम कलर का थ्रेड काट दिया है। अब हम 4 रोज कंप्लीट करेंगे। पर्ल वाइज हमने 4 सलाइयाँ बनानी हैं और ये हमने चारों सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनाई करनी है। उसके बाद हम इस शू को बंद करेंगे। अब ये शू की हमारी ये 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम शू को बंद करेंगे, ये हम रॉन्ग साइड से बंद करेंगे। ये हमने दो दो फंदों का एक फंदा, ये दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर हम इस फंदे को सलाई पे ले लेंगे, फिर हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदों को इस सलाई पे लेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे हमने ये सारी सलाई कंप्लीट करनी है। अब ये हमारा शू कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से ये थ्रेड को काट देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब मैं आपको शू को सिलना बताऊंगी। हमने इसको ऐसे टर्न कर लेना है। पहले हम ये वाला सारा पार्ट सिलाई करेंगे, फिर हम ये नीचे वाला पार्ट सारा इसका सिलाई करेंगे। अब मैं आपको शू को सिलना बताऊंगी। हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। अब हम इसका ये वाला पार्ट सारा सिलाई करेंगे। और ये एक्स्ट्रा धागा हम सारा अंदर की तरफ कर देंगे।
मैं आपको शू को सीधा करके बताती हूँ। ऐसे ही आप इन खूबसूरत शूज़ को बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।